हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहन और माता पिता को चरण स्पर्श। मैं रूबी आप सभी को स्वागत करती आपके अपने चैनल पे आरवी पटेल फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मज़े में होंगे। और ना फ्रेंड, मैं 6 दिनों से ना ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और ना हमारे यहाँ ना लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जिससे लाइन सभी जगहों में जाती है, तो वही वाला जो ट्रांसफार्मर मेन जो रहते हैं ना, तो वही ख़राब हो गए थे। तो गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि पैसा देना नहीं चाहते हैं, बस एक के कारण ना हम लोग 6-7 दिनों तक ना अंधेरे में ही रात गुजारे। और ना फ्रेंड, हमारे यहाँ जब लाइट नहीं थी ना, तो हम ना जल्दी ही खाना बना लेते थे और ना फिर टॉर्च का जो लाइट होते हैं ना, तो उसी से फिर लाइट जला के खाना वगैरह खाते थे और जल्दी ही सो जाते थे। तो ऐसा होता था, बिना लाइन का ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुआ 6-7 दिनों तक। मोबाइल भी सभी का ऑफ हो रहा था, जो लाइन से जो चार्ज करते हैं ना छोटा वाला लाइट, वो भी ऑफ हो गया था। तो टॉर्च का लाइट से ही ना काम चलाना पड़ा हम लोग को। और ना फ्रेंड, ये देखिए हमारे गांव में ना दिन की शुरुआत हमारी ऐसी हो रही है। सुबह सुबह उठ के ना ईंट के चूल्हे पे देखिए लकड़ी जलाना पड़ता है। और ना ये जो मेरा चूल्हा है ना, ये 4 बजे भोर से ही जलता है, लेकिन सुबह होते होते ना हम लेट से उठते हैं 5:30 बजे, तो ये बुझ जाता है 4:30 बजे। जिस तरह सासू माँ का नींद खुलता है ना, तो वो उठ के ना यही कढ़ाई में ना बनाई थी घट्टा बकरी और गाय को देने के लिए। उसके बाद ना फिर वो चले जाती है ना, तो फिर यहाँ पे आग बुझ जाता है, तो फिर से हमको यहाँ पे जलाना पड़ता है। और अभी हम ना आटा ना गूँथ के रख लिए हैं और उसके बाद ना फिर सब्जी वगैरह काटते हैं ना, तब तक से ना हमारी चूल्हा ना इधर बुझ जाती है। तो फिर जिस टाइम हम बनाने लग जाते हैं ना सब्जी, तो उसी टाइम फिर हम जला लेते हैं। और अभी ना फ्रेंड, हमारे यहाँ ना अधिकतर आलू का ही सब्जी बनते हैं। आलू टमाटर का झोर हो गया, आलू का भुजिया हो गया, आलू का चोखा हो गया, चटनी हो गया। बस अभी आलू का सीज़न है ना, तो आलू का ही अधिकतर बनते हैं। और ना यहाँ पे ना आरोही ना जल्दी शाम में सो जाती है ना, तो जल्दी सुबह में भी उठ जाती है। इसको कितने भी सुला के धीरे धीरे उठते हैं ना, फिर भी मेरे साथ उठ जाती है 5:30 बजे ही, और उठ के ना फिर खाने के लिए खोजने लगती है। तो अभी ना उसका हलवा बना दे लिए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे ना हम भुजिया और रोटी भी बना देंगे, तो वो भी खा लेगी। और ये जो मेरा लकड़ी है ना, तो देखिए बार बार बुझ जाता है, तो इसको ना फूकना पड़ता है। और ना लकड़ी में ना बहुत ज़्यादा भी दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है लकड़ी का खाना। और अभी हम उधर ना भुनने के लिए छोड़ दिए हैं, तब तक से ना हम यहाँ पे देखिए स्लेट भट्टी पे ना मसाला पीसने के लिए आ गए हैं। और ना ये जो स्लेट भट्टी में पीसते हैं ना, तो इसका टेस्ट अलग ही लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस सिंपल सा ही हम लोग, कुछ ज़्यादा डालते नहीं, क्योंकि अदरक खाना पापा का मना किया गया है, इसलिए ना अदरक आदि सब नहीं डालते हैं। तो वो सब मसाला पीस के ना पानी में, वहाँ पे सब्जी में पानी वगैरह डाल के, और इधर ना झाड़ू लगाने के लिए गली में आ गए हैं। और देखिए गली ना कुछ दिन पहले ही सासू माँ यहाँ पे लिपाई की थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा गंदा उड़ता है ना यहाँ पे गली में, कि लग रहा है कि यहाँ पे ना कितनों दिनों से लिपाई नहीं हुई है, ऐसा होता है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवाएं चलते हैं ना, तो बगल में आप ये जो देख रहे हैं ना दीवार, तो इसके उधर जस्ट बगल में ना बहुत सारा पेड़ पौधा है। जितना भी पेड़ पौधा है ना, सारा पत्ता यहाँ पे गली में आके और रह जाती है। और फिर ना उधर हमारा झाड़ू लगाया हुआ हो जाता है, और इधर से मेरा खाना भी बन जाता है। तो इसको ना अभी हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काला हो जाता है ना, जहाँ पे हम भी रखते हैं ना, तो वहाँ पे काला काला हो जाता है, इसलिए इसको ना धो के ही रख लेते हैं। और ना फ्रेंड, ये काला बर्तन धोने में ना बहुत ज़्यादा ही हाथ ना कालापन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, काला बर्तन है तो धोना ही पड़ेगा। तो ये गांव देहात में ना काला बर्तन हो ही जाते हैं, लकड़ी से खाना बनते हैं ना, तो हमारे जो बर्तन है वो काला हो ही जाते हैं। और उसमें ना जो राख होते हैं ना, तो राख का ना हम लेप भी लगा देते हैं, फिर भी ना काला हो ही जाते हैं। तो फिर मेरा बर्तन यहाँ पे ना धुल के एक साइड हम कर लिए हैं, और ना नली पैस ना यहाँ पे जितने भी धान वगैरह जो कल का फुलाए थे ना, और बहुत ज़्यादा हवा भी चलते हैं ना, तो पेड़ पौधे के ना पत्ता वगैरह आ जाते हैं, तो उसको साइड कर लेते हैं। और फिर ना फ्रेंड, मैं सीधे ना आप लोगों से ना 3 बजे मिल रही हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए, मैं ये जो कढ़ाई है ना, वो पापा भी बैठा रख दिए, और वो ना अच्छे से बैठ भी नहीं पाया था ना, क्योंकि इसमें फिर हम धान डालेंगे ना, तो ये
ये ना जो कढ़ाई है फूटने का डर रहता है, इसलिए ना इसको हम अच्छे से ना बैठा लेते हैं, और खपरेल जो होता है ना, खपरा जिसे हम लोग गाँव में खपड़ा बोलते हैं, तो उसी को ना साइड साइड में दे दिए ताकि वो मेरा अच्छे से बैठ पाए। और ये देखिए इस तरह से ना छाँक छाँक के ना फिर यहाँ पे ना डाला जाता है कढ़ाई पे। और ये जो आप जितना भी धान देख रहे हैं ना, तो इसको ना हम अकेले ही हमको सारा कुछ उबालना पड़ेगा, क्योंकि पापा मम्मी है तो वो बाहरी चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी से ही ना चलती हैं, तो खेती बाड़ी भी करना ज़रूरी है। तो ये देखिए ये मुश्किल वक्त में भी ना हम अकेले इतना सारा काम कर लेते हैं खुद से। और ना ये जो आप देखते हैं ना फ्रेंड, मेरा 8 मिनट 9 मिनट का काम, तो यही काम करने में ना मुझे दिन और रात लग जाते हैं, तब जाके मेरे काम हो पाते हैं। और अभी सारा धान डाला हुआ हो गया है, ज़्यादा हम धान नहीं डालेंगे, क्योंकि जिस टाइम उबालेंगे ना तो धान ना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये गिरने का डर रहता है, तो इतना ही देख के और फिर बोरी को ना ढक देते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारा पत्ता ना पहले से ही घुसाया हुआ है, तो उसी को ना अभी हम निकाल लेते हैं और फिर ना यहाँ पे ना अभी जला देंगे। तो ना ये जो आप पत्ता देख रहे हैं ना, तो ये महुआ का पत्ता है, और हमारे इधर ना गाँव में ना अधिकतर लोग ना महुआ का जो पत्ता झड़ते हैं ना, तो उसी से ना धान को उबालते हैं, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है। और हमारे यहाँ तो लकड़ी से नहीं जलाते हैं, धान को उबालते हैं, बस यही सब पत्ता हो गया, या तो फिर मकई जो हम लोग बरसात में लगाते हैं ना, तो वही जो मकई का डंठल रखते हैं तो उसी से जलाते हैं। और यहाँ पे देखिए आरोही भी आ गई है, और ना आरोही ना अभी ना बोल रही है कि मम्मी हमको ना कुछ खाना है, बहुत ज़्यादा ही भूख लग गया है। तो फिर ना आरोही को वहाँ पर बैठा दिए थे, क्योंकि अगर फिर नहीं जलाते ना तो फिर मेरा आग बुझ जाता है, इसलिए आरोही भी देखिए यहाँ पे ना जला रही है, तब तक से मैं यहाँ पे ना बना के ला दी हूँ। तो इतना सारा काम हो जाता है, ऊपर से फिर बच्चे का फरमाइश कि हमको भूख लगा ये खाना है, तो सारा कुछ ना हमको देखिए अकेले देखना पड़ता है। और इस मुश्किल वक्त में ना देखिए मेरे पति भी साथ नहीं देते, तभी आरोही के पापा रहते तो अभी कुछ ना कुछ ज़रूर कर ही देते, लेकिन नहीं है, फिर भी अकेले रात दिन ना देखिए मैं अकेले लगी हुई हूँ उसका चावल बनाने में। और ना आधा घंटा तक ना हम इसको आग जलाएं, और उसके बाद ना देखिए मेरा भाप निकलना शुरू हो गया है, और अभी हम ना छू के देख रहे हैं कि मेरा धान अच्छे से उबल पाया है या नहीं, तो इस तरह से ना देख लेते हैं, उसके बाद ना फिर धान को ना यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए एक एक करके ना फिर सभी को निकालना है डालना है, तो देखिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है धान उबालना, इतना आसान नहीं होता है। और इसको ना फिर निकाल निकाल के यहाँ पे नीचे ज़मीन में रख देंगे। तो फ्रेंड आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगता है। तो मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।